क्यू फोर, ठीक है, सब ग्रुप्स ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ क्यू फोर, ठीक है, क्या नाम था इसका? क्वार्टरनियन, ठीक है, इसके अंदर एट एलिमेंट होते हैं। क्यू फोर इज इक्वल टू वन माइनस वन आई माइनस आई जे माइनस जे के माइनस जे, सच दैट आई स्क्वायर इज इक्वल टू जे स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन आई जे के इज इक्वल टू के जे इनटू के इज इक्वल टू आई एंड के इनटू आई इज इक्वल टू ये प्रॉपर्टी साइकिल चलती है। ओके, और अपोजिट करोगे तो इसका जे इनटू आई करोगे तो माइनस के, के इनटू जे करोगे तो माइनस आई, और आई इनटू के करोगे तो माइनस, है ना। इसको बोलते हैं क्वाटर्निनियन ग्रुप, ठीक है। इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे, कितने ऑर्डर के होंगे, ये सब तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका। अब क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? सब ग्रुप्स, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, ये तो नॉन एबिलियन है, नॉन साइक्लिक है, ठीक है, लेकिन हो सकता है इसके पास साइक्लिक सब ग्रुप हो। ओके, बिकॉज ऑर्डर ऑफ क्यू फोर इज ए एंड डिवाइजर ऑफ एट इज वन टू फोर एट, तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ क्यू फोर इज वन टू फोर और एट। ये सिर्फ क्या बोला है मैंने, पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है। अब वन बाय वन पिक करते हैं हम एक डिजिट को, और उसके पॉसिबल ऑर्डर के सब ग्रुप हम फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ग्रुप ग्रुप का ऑर्डर से ही हमारा आधा काम हो जाता है, ग्रुप के ऑर्डर से ही, क्योंकि ऑर्डर है एट, वहां पे वन टू फोर, तो वन और टू तो हमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। को बोला बच्चा, बोला सर क्यू फोर कहाँ डिस्कस किया है, तो नया काम थोड़ी होगा, एलिमेंट ही तो बदलेंगे, सब ग्रुप तो हमें बनाने आए आ रहे हैं पहले से ही। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर वन एक ही बनेगा, क्या आइडेंटिटी और आइडेंटिटी क्या है इसमें, अंडर मल्टीप्लीकेशन है ना, ये कंपोजिशन है इसकी, तो एक ही बनेगा, उसको मैं क्या बोल देता हूँ, एच वन बोल दिया मैंने। एच वन इज द फर्स्ट सब ग्रुप जनरेटेड बाय आइडेंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ साइक्लिक लिखो या नॉन साइक्लिक, या तो सब ग्रुप लिख दो सीधा, टू के लिए बात कर रहा हूं तो अंडरस्टूड है ना। नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ओ, और जब मैं यहाँ पे साइक्लिक सब ग्रुप लिख देता हूँ, इसका मतलब उसके नॉन साइक्लिक भी पॉसिबल हो सकते हैं, है नहीं बोलना, हो सकते हैं ये बोलना है, ठीक है। क्या बोलना है, नॉन साइक्लिक पॉसिबल हो सकते हैं, पॉसिबल है नहीं बोलना। सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू इन क्यू फोर अपॉन फाइव टू, एक माइनस वन ही तो होता है, यहाँ पे देख रहे हो तुम, एक माइनस वन ही तो होता है जिसका ऑर्डर कितना होता है, टू। ऑर्डर देखो एक बार सभी ग्रुप का, इसका ऑर्डर सभी का फोर होता है, बाकी जितने भी है आई जे के माइनस जे माइनस के माइनस आई, सभी का ऑर्डर फोर होता है, किया था ना हमने ये, इसलिए डिस्टिंक्ट है, इसलिए हम फिफ्थ नंबर पे लेते हैं इसको। ये डी फोर से भी अलग है, क्योंकि डी फोर के अंदर टू ऑर्डर के एलिमेंट है पांच, टू ऑर्डर के एलिमेंट हमेशा ऑड होते हैं, डी एन के अंदर पांच होंगे या तो एक ही है, इससे अलग है ना, डी फोर से अलग है, एस फोर से भी अलग है, क्योंकि एस फोर के अंदर टू ऑर्डर के कम होते हैं, इसके अंदर ज्यादा, इसके उसके अंदर ज्यादा होते हैं, इसके अंदर कम। हाँ जी, तो यहाँ पे वन लिख दो, और अपू नीचे क्या आता है, फाइव टू कितना आ गया, वन, एक ही बनेगा। इसका मतलब, इसका मतलब किसे जनरेट हुआ होगा, माइनस वन से जनरेट हो रखा है वो, तो यहाँ से लिखेंगे एस टू इज जनरेटेड बाय माइनस वन, इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, माइनस वन और एक, ठीक है। ये सब ग्रुप होगा जेड क्यू फोर का, जिसका ऑर्डर कितना होगा, टू, एंड दिस इज द ओनली सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू। नाउ वी गो टू ऑर्डर फोर, कोई तो बच्चा बोला टू के नॉन साइक्लिक होते ही नहीं है,
नेक्स्ट करेंगे नंबर ऑफ साइक्लिक, अब यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे साइक्लिक, साइक्लिक सब ग्रुप ठीक है ऑफ ऑर्डर फोर इन क्यू फोर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ऑफ ऑर्डर फोर इन क्यू फोर कितने होते हैं? सिक्स होते हैं ना, वन फोर माइनस वन को छोड़ दो, सभी का ऑर्डर कितना है? तो सिक्स अपॉन फाइव फोर है ना, सिक्स अपॉन फाइव फोर कितना होता है? टू, तो कितने आ गए? मतलब तीन ऐसे सब ग्रुप होंगे, अब टू आइसोमॉर्फिज्म, तीनों में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, और तीनों के तीनों क्या होंगे? साइक्लिक और सब ग्रुप होंगे क्यू फोर के, ठीक है। तो बच्चा बोला सर कैसे बनाएंगे उनको, उसको पूछना चाहिए क्वेश्चन ये, फोर ऑर्डर के एलिमेंट उठाओ, हालांकि कितने हैं? छह हैं, एक एलिमेंट उठाओ जनरेट कर, दूसरा एलिमेंट जनरेट सेम आ जाता है तो नेक्स्ट एलिमेंट ऐसे उठा लो। ओके तो यहाँ से करेंगे तो एस थ्री मतलब किससे जनरेट हो रहा है, आई से ले लो सबसे पहले, आई से जनरेट कर रहा है, सबसे पहले आई लिखो, फिर आई का स्क्वायर लिखो, आई का स्क्वायर कितना होता है? माइनस वन, फिर इसको आई से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस आई और फिर आइडेंटिटी वन, ये आ गया फोर ऑर्डर का सब ग्रुप जो क्या है साइक्लिक, क्योंकि किससे जनरेट हुआ है ये आई से। नेक्स्ट एच फोर इज जनरेटेड बाय जे, पहले जे लिखो फिर माइनस वन फिर माइनस जे है ना और फिर वन। नेक्स्ट एच फाइव लिखो जनरेटेड बाय के, एक तो के आ जाएगा, एक माइनस वन, के स्क्वायर माइनस वन होता है ना, और एक माइनस के और एक वन। अब तीनों डिस्टिंक्ट दिख रही है तुम्हें, अब यहाँ से माइनस आई से भी जनरेट करवाओगे यही आ जाएगा। अगर मैं इसको ये लिख दूं इट इज आल्सो कैलकुलेटेड एज जनरेटेड बाय माइनस आई, और इसको मैं माइनस जे से लिख दूं और इसको मैं माइनस के से लिख दूं तो यही है ना। तो बच्चा बोले सर तीन और रह गए, छह थे ना, तो ये तीन रह गए, इससे कराओगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो चार ऑर्डर के साइक्लिक कितने पॉसिबल है? तीन, तीन ही होंगे, और हो सकता है नॉन साइक्लिक भी हो, होंगे ये नहीं बोलना कभी भी, ऐसा नहीं बोलते, होंगे तभी भी हो सकते हैं बोलेंगे, ठीक है, और नहीं होंगे तब भी हो सकते हैं बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, इसलिए जब नहीं हो सकते हैं तो हम क्या लिखते हैं? पॉसिबल वर्ड, यहाँ पे मैंने पॉसिबल लिखा है कहीं भी, हमें पता है ऑलरेडी साइक्लिक तो होंगे, इसलिए मैंने पूछा लिखा नंबर ऑफ साइक्लिक, और यहाँ पे लिख देंगे पॉसिबल पॉसिबल नॉन साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर फोर इन क्यू फोर, फोर ऑर्डर का चाहिए तुम्हें, नॉन साइक्लिक चाहिए, उसको मान लो एच डैश है, ठीक है, एच डैश है तो क्यू फोर का क्या है सबसे, सच दैट ऑर्डर ऑफ एस फोर इज फोर, और ये क्या है नॉन साइक्लिक, और यूनिवर्स में सिर्फ है ऐसा ग्रुप है जो इंडिविजुअली अप टू आइसोमॉर्फिज्म जिसका ऑर्डर 4 है और नॉन साइक्लिक है, क्या है वो जेट टू प्रोजेक्ट, यानी मतलब एस डैश है वो किसके आइसोमॉर्फिक है, अब इसका मतलब है इसकी प्रॉपर्टीज के साथ मैच होनी चाहिए, ये नॉन एबिलियन है, ये भी नॉन एबिलियन, नॉन साइक्लिक ये भी नॉन साइक्लिक, सॉरी एबिलियन है, ये एबिलियन हो भी सकता है, मतलब हो भी सकता है, मतलब ये ले लिया मैंने 1 और माइनस 1 और ठीक है, क्या पता है इसके अंदर चार एलिमेंट से भी विलीन हो रहा हो, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना, टू ऑर्डर के कितने एलिमेंट है इसके अंदर, अच्छा एस डैश है इसके अंदर, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, टू के जेड टू क्रॉस जेड टू के अंदर, इसके अंदर छह टू ऑर्डर के, छह एलिमेंट है टू ऑर्डर के, तीन एलिमेंट है इसके अंदर, इसके अंदर इसके अंदर एक है, इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर तो नहीं होगा ना, ये इसके आइसोमॉर्फिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको अगर एस डैश जेड टू क्रॉस जेड टू के आइसोमॉर्फिक चाहिए तो तीन एलिमेंट चाहिए ऑर्डर टू के, लेकिन आपके पास तो एलिमेंट ही कितने हैं, एक ही है, माइनस वन ही है जिसका ऑर्डर टू है, और रिपीट थोड़े कर सकते हो ऐसे, तो लिख दोगे S dash is equal to 1 minus 1 minus 1 minus 1 ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या आ जाएगा, ये S2 आ जाएगा, S2 आ जाएगा ये, ठीक है। तो
साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर फोर इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है नॉन साइक्लिक। बताया था ना मैंने कि हो सकता है ऐसे भी सब ग्रुप हो जिसके अंदर नॉन साइक्लिक सब ग्रुप पॉसिबल ना हो, तो ये क्यू फोर है इसके अंदर पॉसिबल ही नहीं। कितना आ चुके थे, एच फाइव आ चुके थे ना, पर एच सिक्स क्या होगा, यानी इसके अंदर क्यू फोर के अंदर टोटल सब ग्रुप कितने बनेंगे, छह बनेंगे, के फोर है ना। ई ए बी सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई एंड ए बी इज इक्वल टू कैलन फोर ग्रुप बोलते हैं इसको। ऑर्डर कितना होता है इसका, चार। ठीक है, अब देखो इसके सब ग्रुप डिस्कस करने हैं ना, इसके सब ग्रुप डिस्कस करने हैं एंड वी ऑलरेडी नो के फोर इज आइसोमॉर्फिक टू, और इसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस कर चुके, तो जो इसके बारे में पूछे इसका निकाल दो, जिसके बारे में पूछे सब ग्रुप तो इसके सब ग्रुप डिस्कस करने हैं इसके कर लो। ठीक है, और ये तो आसान है, हमने तो आज जेड फोर क्रॉस जेड फोर को हैंडल किया है, ये तो जेड टू क्रॉस जेड टू, इसकी तो बात ही नहीं है डिस्कस करने की, जेड टू क्रॉस जेड। ठीक है, बताओ कितने होंगे, करना एक बार। ऑर्डर कितना है इसका, फोर है, तो एक ऑर्डर का एक, दो ऑर्डर के तीन, तीन, थ्री अपॉन फाइव टू थ्री, एक इससे जनरेट, एक इससे जनरेट, एक इससे जनरेट, पहला बनेगा ई ए, दूसरा ई बी, और तीसरा ई ए बी है ना, और एक खुद, कितने बनेंगे टोटल, पांच। एक खुद है उसको नहीं काउंट करोगे, उसको भी तो काउंट करना है, पांच बनेंगे, यानी इसके अंदर कितने बनेंगे, फाइव सब ग्रुप, तो के फोर के अंदर टोटल फाइव सब ग्रुप होंगे कैलन फोर के अंदर। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए क्या है, एक ग्रुप है जिसका जो क्या गिवन है, ग्रुप गिवन है तुम्हें, अच्छी बात है ग्रुप गिवन है, तो इधर लो लेवल का क्वेश्चन है जो तुम्हें ग्रुप दे दिया था, जेड थ्री क्रॉस जेड फिफ्टीन। ठीक है, एंड एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, इसका सब ग्रुप है। अभी तो हम लिस्ट बना के कर रहे थे ना, उसमें से एक स्पेसिफिक ऑर्डर का उसने क्वेश्चन पूछा है, या तो पॉसिबल तो 45 है ना, तो 45 एक के भी हो सकते हैं, पांच के भी हो सकते हैं, तीन के भी हो सकते हैं, 15 के भी हो सकते हैं, 45 के भी हो सकते हैं, लेकिन उसने 9 के भी हो सकते हैं, लेकिन उसने किसका पूछा है, सिर्फ 9 के बारे में पूछा है कि उसका ऑर्डर 9 है सब ग्रुप का, तो बोलता है वो जो सब ग्रुप हो ये हो सकता है, फर्स्ट बोलता है यही होगा, होगा तो है ना, ये हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं, या एक भी नहीं होगा, इनमें से एक भी पॉसिबल नहीं है, ये क्वेश्चन है, करिए इसको, देख लो कोई थर्ड हो। देखो बिल्कुल ठीक है, सेकंड आंसर है इसका, जेड थ्री क्रॉस है, जेड फिफ्टीन दिया हुआ है, एच इसका सब ग्रुप है, ठीक है, सब ग्रुप ऑफ जेड थ्री क्रॉस है, जेड 45, ऑर्डर कितना दिया हुआ है इसका, 9 दिया हुआ है, ठीक है, और ग्रुप का ऑर्डर 45, 45 हो सकता है ना, इन ऑर्डर का सब ग्रुप तो हो सकता है, ठीक है या नहीं वो देखते हैं, है या नहीं, नाइन ऑर्डर का है ना, और किसी ग्रुप का ऑर्डर नाइन है तो दो ही पॉसिबल हो सकते हैं, रिजल्ट लिखवाया था मैंने, रिजल्ट था कि इफ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर देन देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी कि आइदर जेड पी स्क्वायर या फिर जेड पी क्रॉस जेड पी, और यही तो ऑप्शन दी उसने चारों में, बताया रिजल्ट था ना, प्राइम का स्क्वायर है तो देर ओनली टू पॉसिबिलिटी, नहीं समझ आया तो लिस्ट में देख लो, टेबल बनाई है ना उसमें, उसमें देखना नाइन के आगे दो, या तो जेड थ्री या फिर सॉरी जेड नाइन या फिर जेड थ्री क्रॉस जेड थ्री, ठीक है, तो देर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी कि आइदर ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगी इसके जेड नाइन के, या फिर आइसोमॉर्फिक हो जाए जेड थ्री क्रॉस जेड थ्री, जेड नाइन तो साइक्लिक है, जेड नाइन साइक्लिक है, अगर तो सब ग्रुप हुआ ये या फिर इसके जेड नाइन के आइसोमोर्फिक हुआ तो नाइन ऑर्डर के कितने एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, इसके अंदर जेड नाइन के अंदर
नाइन ऑर्डर के कितने एलिमेंट आएंगे? जेड एन के अंदर स्पेसिफिक ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं? फाइव। फाइव निकाल दो उसका, नाइन का। जेड एन के अंदर डी ऑर्डर के एलिमेंट फाइव डी, नाइन ऑर्डर के एलिमेंट फाइव नाइन, सिक्स आएगा। मतलब इसके अंदर जेड नाइन के अंदर सिक्स एलिमेंट है जिनका ऑर्डर कितना है? नाइन है। क्या इसके अंदर तुम्हें नाइन ऑर्डर के एलिमेंट निकालने आते हैं? बिल्कुल आते हैं। आप जेड थ्री क्रॉस जेड फिफ्टीन लिखिए, पॉसिबल वन और थ्री दो ही है, यहाँ से वन, यहाँ से फाइव और यहाँ से थ्री, क्या तुम ऐसा फिर ले सकते हो कि एलसीएम नाइन आए? एक भी नहीं है एलिमेंट ही नहीं है नाइन ऑर्डर के। श्योर है? एक है, एक है, वो देखिए क्या नहीं है। यहाँ से आप या तो वन उठा सकते हो, वन उठाना कहीं नाइन आएगा एलसीएम नहीं है, यहाँ से थ्री नाइन आए नहीं रहा, इसके अंदर इसके अंदर नाइन ऑर्डर का कोई एलिमेंट है? और तुम्हें चाहिए कितने थे? तुम्हें तो सिक्स चाहिए थे, इसका मतलब ये आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता है। ठीक है, ये इसके आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता, ये इसके आइसोमॉर्फिक हो सकता है। इसके अंदर नाइन ऑर्डर का एलिमेंट है क्या? जेड थ्री क्रॉस जेड थ्री नहीं है, थ्री ऑर्डर के हैं। कितने हैं अनंता, कितने हैं? चलो बता दो, निकालने आते हैं। कैसे निकालते हैं? उठाइए वो पेयर। अब नौ, नौ के लिए नहीं पूछा, तीन के लिए पूछा है। वन थ्री थ्री वन थ्री थ्री, कितने टप्पल आएंगे? तीन टप्पल आएंगे। फिर फाइव थ्री इंटू फाइव वन इंटू फाइव थ्री, फाइव थ्री इंटू फाइव थ्री, फोर प्लस वन सिक्स आएंगे, फोर प्लस टू प्लस कितने आएंगे? एट आ जाएंगे। फोर प्लस टू प्लस टू एट आ जाएंगे। इसके अंदर कितने होते हैं? इसी के अंदर भी एट, ये इसके अंदर ढूंढे मैंने, और इसके अंदर तो इसका मतलब ये पॉसिबल है ना। तो एच वो कुछ भी हो उसको बनाने की जरूरत नहीं, मैंने बताया था ना क्वेश्चन में बनाने की जरूरत नहीं होती। कहीं तुमने क्वेश्चन में ये पूछा है कहीं बनाओ उसके अंदर, और ना आज तक ऐसा क्वेश्चन आया कि ऐसा कोई एलिमेंट होगा नहीं, ये पूछेंगे कि पॉसिबल किसके है। ठीक है, क्लियर है? सेम क्वेश्चन थोड़ा हार्ड कर देते हैं इसको। ये क्वेश्चन आ गया समझ में, सॉल्व कर लिया हमने क्वेश्चन, ये पूछेंगे। देन करके, देन करके एच इज साइक्लिक, एच इज नॉन साइक्लिक, एच इज नॉन एबिलियन, एच इज एबिलियन। अब की बार उसने ग्रुप नहीं पूछा तुमसे कि क्या बनेगा, उसकी करेक्टरिस्टिक्स पूछी है। दो आंसर है इसके, दो आंसर है। एच इज साइक्लिक, ये साइक्लिक है, ये नहीं हो सकता है, नॉन साइक्लिक है वो, ये होगा। एच इज नॉन, ये नॉन एबिलियन है, ये नॉन एबिलियन है क्या? एबिलियन है, एबिलियन है ना। तो कितने आंसर होंगे इसके? सेकंड और फोर्थ दोनों ही ट्रू है। क्लियर है? नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता था वो। अब तुम्हें ये क्वेश्चन इजी लग रहा होगा क्योंकि तुमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व। अगर मैं डायरेक्टली ऐसे दे दूं इस क्वेश्चन को, देन कर दिया, देन क्वेश्चन पूछ लिया उसने, एच हैज सिक्स एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर नाइन, नेक्स्ट एच हैज नो एलिमेंट्स, ये गेट की क्वेश्चन है, गेट में ऐसे पूछते हैं। X have eight elements, has eight elements for order three.
हैज नो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर सिमेट्री भी मैच करनी होती है ना उसको। क्वेश्चन तो आपने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, ये है यानी उसने किसके बारे में पूछा हुआ है, Z3 क्रॉस Z3। आज घर से करने के लिए भी हमने दिए तुम्हें, ये तीन जो दिए हैं उनमें से थर्ड यही है Z3 क्रॉस Z3, या फिर नहीं हमें आता है इसको करना, अभी तो किया है। इसके अंदर तीन ऑर्डर कितने एलिमेंट है, एट एलिमेंट है, ठीक है, नाइन ऑर्डर का एलिमेंट है इसके अंदर नहीं है। तो फर्स्ट में बोलता है जी है 6 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 9, गलत है, एक भी नहीं है, ये गलत ऑप्शन, जी है 9 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 9, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जी हैज 8 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, और ये गलत है, 3 ऑर्डर के एलिमेंट तो है उसके, है ना, फोर्थ तो ऑलवेज ही गलत होता। अगर 9 ऑर्डर का सब ग्रुप आप बोल रहे हो, मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन भी ना दूं, जी ना देखो, कुछ ना देखो, सब ग्रुप का ऑर्डर कितना गिवन है, 9, दो ही पॉसिबल है यूनिवर्स में, या तो, या और दोनों के पास 3 ऑर्डर के एलिमेंट है, इसका मतलब कुछ देखे बिना क्या कर दो फोर्थ को कट, वो तो सिमेट्री बनाई है ना उसने, वो सिमेट्री बनाता है क्वेश्चन में, यहाँ पे नहीं लिखा गया, थ्री लिख दिया सेम स्टेटमेंट देने के लिए, लेकिन जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो तो यूनिवर्सली गलत है, एक 9 ऑर्डर के सब ग्रुप के पास 3 ऑर्डर का एलिमेंट होगा ही होगा, कुछ भी लो फिर आप, ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन कैसे पूछती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जी दे रखा है तुम्हें Z6 क्रॉस Z15, ठीक है, बोलता है हाउ मेनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9, अब की बार उसने सब ग्रुप की काउंटिंग पूछी है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, और पिछले क्वेश्चन में उसने ऐसा कुछ नहीं पूछा हुआ था। अब तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि Z6 क्रॉस Z15 के अंदर 9 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होंगे,